हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ कुकिंग की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चटपटी मैक्रोनी, जो खाने में भी टेस्टी लगती है और जल्दी से बन जाती है। इसको हम सुबह नाश्ते के टाइम पे भी बना सकते हैं या इवनिंग टाइम पे हल्की फुल्की भूख लगती है तब भी हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये एक बॉल मैक्रोनी ली है। अगर वेट के हिसाब से देखें तो 200-250 ग्राम मैक्रोनी है। मैंने एक बॉल मैक्रोनी ली है तो मैंने 4 बॉल पानी का उबलने के लिए रख दिया था। अभी देखिए पानी उबल चुका है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी, जिससे हमारी जो मैक्रोनी है ये आपस में चिपकेगी नहीं। अब इसके अंदर मैं मैक्रोनी डाल देती हूँ। अब इसको हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैक्रोनी उबल चुकी है। अब इसको हम चम्मच से हल्का सा दबा के देखेंगे। अब ये हल्की सी दब रही है। अब ये मैक्रोनी ठीक है, उबल चुकी है। अब गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं इसको छान लेती हूँ। अब छान लिया है मैंने, इसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये तेल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब टमाटर जब तक नरम होंगे हम इसको थोड़ा पका लेते हैं। अभी थोड़ा नरम होने लगे हैं टमाटर। अब इसमें हम थोड़ा नमक और हल्दी डालेंगे। पहले तो मैंने ये 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला। आप नमक अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी हम बहुत थोड़ी सी डालेंगे, 1/4, बस कलर के लिए। अब इनको हम थोड़ा सा चलाएंगे। अभी देखिए बिल्कुल टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, 2 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से तीखा रख सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, हल्का सा, बस टेस्ट और खुशबू के लिए। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। अब इसको पानी को उबलने देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे ताकि वो जो मसाले डाले हैं उनका बैलेंस बन सके। ये मैं 1/2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अब ये चीनी डालने के बाद हम पानी को उबलने देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पानी उबल चुका है। अब इसके अंदर हम ये मैक्रोनी को डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मैक्रोनी को मसाले में मिक्स करेंगे। मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो जैसे हमने 2 टमाटर लिए हैं चॉप करके, आप उसमें 4 टमाटर लीजिए। अब इसको सॉस को अच्छे से मैक्रोनी में मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं बटर डाल रही हूँ। इसको बटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए तैयार हो गई है। अब ये बन चुकी है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब सर्व करते टाइम हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप खाते हैं तीखा तो डालिए, जो नहीं खाता वो इसको स्किप कर सकते हैं। लीजिए तैयार है हमारी चटपटी मैक्रोनी, झटपट से तैयार होने वाली। आप भी बनाइए, खाइए, औरों को खिलाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।